दोस्तों 2021 की शुरुआत में म्यांमार में हुए मिलिट्री कू के बाद वहां से इंडिया में आने वाले रेफ्यूजीज की संख्या अचानक से बढ़ गई। इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया म्यांमार बॉर्डर एरिया को सील करने का फैसला लिया। ये फैसला कितना सही और कितना गलत था वो तो एक दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि आए दिन इस रीजन को लेकर ऐसी न्यूज सामने आती रहती है। और तो और इस रीजन में फेंसिंग करने की बात की जाती है, जिसको लेकर लोकल कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों कोई भी बॉर्डर किसी दो नेशन को सेपरेट करने वाली एक आर्टिफिशियल बाउंड्री ही नहीं होते, बल्कि वो समय समय पर किए गए सोशल और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का बाई प्रोडक्ट होते हैं। वो नेशनल आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनके द्वारा बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं वो केवल फिजिकल बैरियर नहीं होते, बल्कि वो उन रीजन्स की इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल और इवन फैमिलीज को भी डिमार्केट कर देते हैं। अगर एशिया के बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर मार्जिनल, आइसोलेटेड और रिमोट बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया और चाइना के बीच के डेंजरसली हिली टेरेन्स या फिर इंडिया और म्यांमार के बीच बनी वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड बाउंड्री। स्पेशली साउथ एशिया के बॉर्डर्स को दो स्पेसिफिक फीचर से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। पहले तो यहाँ की टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी और दूसरा यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के द्वारा किया गया आर्बिट्री डिलिनेशन से। टोपोग्राफिक बॉर्डर्स के एग्जाम्पल हम नदन इंडिया में हिमालयास के अक्रॉस सिनो इंडियन बॉर्डर्स को मान सकते हैं, जबकि इंडिया पाक बॉर्डर लार्जली कॉलोनियल पावर्स द्वारा क्रिएटेड आर्टिफिशियल बाउंड्री का एग्जाम्पल है। इन्हीं आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज का रिजल्ट है कि आज साउथ एशिया के एक नहीं बल्कि लगभग हर नेशंस के आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। और तो और इसमें ऐसे कई बड़े पोरस एरियाज भी हैं जो तरह तरह की इल्लीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज का माध्यम बन चुके हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया और म्यांमार के बीच के कॉम्प्लेक्स बॉर्डर को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बॉर्डर के अक्रॉस इंडिया किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन इस बॉर्डर की जियोग्राफिकल डायमेंशंस को समझने से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया का टोटल 8% लैंड कवर करते हैं और ये लगभग 5400 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर्स इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार और नेपाल के साथ शेयर करते हैं। मेनलैंड इंडिया से ये रीजन सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस रीजन का केवल 2% बॉर्डर एरिया नेशनल बॉर्डर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और बाकी 98% इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चाइना के साथ लैंड लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से ये रीजन हमेशा से एक स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट रीजन रहा है और इसमें इंडिया म्यांमार बॉर्डर सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया और म्यांमार एक लंबी लैंड और मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। प्रेजेंट डे के कॉमन फ्रंटियर्स को 2 बायलेटरल एग्रीमेंट्स के चलते डिमार्केट किया गया। पहला था 10th मार्च 1967 को साइन हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और दूसरा था 1982 का मैरिटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। इंडिया म्यांमार लैंड बॉर्डर की टोपोग्राफी साउथ की लो माउंटेन से लेकर नॉर्थ की हाई रिजेस और पीक्स के बीच वेरी करती हैं। इसके अलावा अनलाइक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लाइन, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। और तो और ये मोस्टली अनफेंस्ड है, जिसके चलते हम इसको इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना बॉर्डर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लॉन्ग एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नॉर्थ में चाइना के साथ और साउथ में बांग्लादेश के साथ ट्राई पॉइंट बनाता है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते चाइना के साथ बन रहे ट्राई पॉइंट की एग्जैक्ट पोजिशन तो अनक्लियर है, लेकिन एट प्रेजेंट ये डिफैक्टो ट्राई पॉइंट दिफू पास के नॉर्थ में लोकेटेड है। यहाँ से ये मिशमी हिल्स के थ्रू साउथ वेस्ट में प्रोसीड होता है और फिर वहाँ से पटकाई और कासोम रेंजेस के साथ कंटिन्यू होता है। इस बीच चौकन पास पर एक इंडियन प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। मणिपुर के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर पहुंचकर ये वेस्ट की ओर एक शार्प टर्न लेता है और तियाऊ रिवर को फॉलो करता है। इस रिवर को साउथ की ओर एक लॉन्ग स्ट्रेच तक फॉलो करते करते ये चिन हिल्स तक जाता है और फिर चिन पर पहुंचकर वेस्ट की तरफ टर्न लेता है। यहीं से फिर वो एक सीरीज ऑफ इररेगुलर लाइंस के थ्रू बांग्लादेश ट्राई पॉइंट पर जाकर मिलता है। ये तो बात हुई इस रीजन की जियोग्राफी की, लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा कि इस रीजन में आए दिन इल्लीगल एक्टिविटीज और वायलेंस की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं।
जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन बन जाता है। आइए अब उन चैलेंजेस पर एक नज़र डालते हैं और इसी के चलते हम देखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के चलते इस बॉर्डर को फेंस करना क्या एक सही कदम है। सबसे पहला चैलेंज है इस पोरस बॉर्डर के थ्रू इंसर्जेंट्स का फ्री मूवमेंट। दोस्तों इस रीजन में ओवर द ईयर क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज जायंटिक प्रोपोर्शंस में इंक्रीज हुई हैं। यहाँ का इनहॉस्पिटेबल और अंडर डेवलप्ड बॉर्डर रीजन इंसर्जेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ड्रग्स और वेपन ट्रैफिकर्स के ऑपरेशंस और नेटवर्क्स को स्प्रेड करने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और तो और इस बॉर्डर के दोनों साइड पर रहने वाली कम्युनिटीज की एथनिक और कल्चरल लिंकेजेस इंसर्जेंट्स को दोनों ही साइड से सब्सिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं। इस रीजन में सबसे फेमस इंसर्जेंट ग्रुप NSCNK है, जो नागालैंड सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है। इस ग्रुप के खिलाफ इंडिया ने ऑपरेशन सनराइज के तहत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है फ्री मूवमेंट रेजीम, यानी FMR। दोस्तों FMR इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बीच एक ऐसा यूनिक अरेंजमेंट है जो बॉर्डर के दोनों तरफ रह रही ट्राइबल कम्युनिटीज को बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा रेस्ट्रिक्शंस के मूवमेंट अलाउ करता है। इस FMR का असल मकसद था इस रीजन में रह रही ट्राइबल कम्युनिटीज को उनकी एज ओल्ड टाइज रिटेन करने में मदद करना, लेकिन आज ये एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है, क्योंकि इसी के प्रोविजंस को एक्सप्लॉइट करके दोनों साइड्स के इंसर्जेंट ग्रुप न सिर्फ एक दूसरे की टेरिटरीज में आसानी से इन्वेड करते हैं, बल्कि वहां अपने लिए सेफ हेवेंस भी स्टैब्लिश कर पाते हैं। इस FMR का एक और प्रोविजन है जिसके चलते ये कम्युनिटीज इस रीजन के अक्रॉस हेड लोड्स या लगेज कैरी कर सकती हैं। और तो और ये लोड्स किसी भी तरह के स्टैंडर्ड कस्टम प्रोसीजर से भी एग्जेम्प्टेड हैं, जिसकी वजह से इनकी चेकिंग भी नहीं की जाती है। इसी प्रोविजन को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पर मिलिटेंट्स और ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स इस बॉर्डर के क्रॉस आर्म्स, वेपन्स और नार्कोटिक्स के साथ साथ फेक इंडियन करेंसी नोट्स की भी स्मगलिंग करते हैं। अगला चैलेंज देखने को मिलता है रैम्पेंट गन रनिंग या आर्म स्ट्रगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के रूप में। इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स साउथ ईस्ट एशिया की ब्लैक मार्केट्स और म्यांमार बेस्ड रिबल ग्रुप्स जैसे कि यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी, जिसे UWSA भी कहा जाता है, से वेपन्स प्रोक्योर करते हैं। हालांकि थाईलैंड और कंबोडिया से बल्क ऑफ वेपन्स सी रूट के थ्रू स्मगल होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चिन और अराकनीज इंसर्जेंट ग्रुप की मदद से इंडिया म्यांमार बॉर्डर के थ्रू ओवरलैंड स्मगल होते हैं। चाइना में बनने वाले वेपन्स म्यांमार बॉर्डर पर रुइली के थ्रू आते हैं, फिर लासीहो, मैंडले और मोनेवा से ट्रक्स में भरकर फेक, चैंडल, चुराचांदपुर और चंपाई के थ्रू इंडिया टेरिटरी में एंटर करते हैं। इसके अलावा म्यांमार की गोल्डन ट्रायंगल के पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना भी इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज पोज करता है। गोल्डन ट्रायंगल के नाम से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की रूरल माउंटेन्स के उस रीजन को रेफर किया जाता है जो दुनिया भर में सप्लाई होने वाले ओपियम का प्रोडक्शन हब है। साथ ही साथ ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई होने वाले नार्कोटिक्स का एक ओल्ड रूट भी है। अब जाहिर है कि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के चलते इंडिया म्यांमार बॉर्डर म्यांमार में प्रोड्यूस होने वाले हीरोइन और एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स के इलीगल ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स के लिए हाईली वल्नरेबल है। ओपियम, हीरोइन, मेथा एम्फेटामाइन और ऐसे कई ड्रग्स म्यांमार से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्मगल किए जाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में प्रोड्यूस किए जाने वाले ड्रग्स बहामो, लासियो और मैंडले से इंडिया के मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जैसे स्टेट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। और तो और इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले प्रीकर्सर केमिकल्स जैसे कि एफेड्रीन, स्यूडोफेड्रीन और कोडीन बेस्ड मेडिकल प्रिपरेशंस की इंडिया से म्यांमार में सेम रूट के जरिए रिवर्स ट्रैफिकिंग भी की जाती है। हालांकि बड़े बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स फंड जनरेट करने के लिए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो ड्रग माफियाज को इस काम के लिए सेफ रूट प्रोवाइड कराते हैं और बदले में उनसे हैवी प्राइसेस चार्ज करते हैं। इससे जन्म लेता है इंसर्जेंट्स, ड्रग माफिया और स्मगलर्स का अनहोली नेक्सस। खैर इसी के चलते म्यांमार बॉर्डर के पास इंडिया के प्रोविंसेस में इन लीथल ड्रग्स का हाई एडिक्शन भी पाया जाता है। हालांकि मार्च 10, 1967 के बाउंड्री एग्रीमेंट के चलते दोनों कंट्रीज के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री ऑलरेडी डिमार्केट की जा चुकी है,
लेकिन इस बाउंड्री एग्रीमेंट में और एक्चुअल ग्राउंड कंडीशंस में काफ़ी मिसमैचेस हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया म्यांमार बाउंड्री इस बॉर्डरलैंड के सोशियो कल्चरल लैंडस्केप से मैच नहीं करता। यहाँ पर रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के सदियों पुराने फैमिलियर लिंकेजेस बॉर्डर पार भी पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इनमें से कई ट्राइब्स इन बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती और आज भी वो लोग क्रॉस बॉर्डर एथनिक लिंकेजेस मेंटेन करते हैं, और कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स इन्हीं लिंकेजेस को एक्सप्लॉइट करके अपने किन्समैन के बीच एक सेफ हेवन एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर का कॉम्प्लेक्स टेरेन उसकी वल्नरेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हाई माउंटेन्स, डीप रिवर चैनल्स और साथ ही साथ लश फॉरेस्ट पैचेस इस बॉर्डरलैंड के फीचर्स हैं। इससे जाहिर है कि इस हॉस्टाइल और हार्श टेरेन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड होने के साथ साथ पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शो करता है। रोड्स, कम्युनिकेशन लिंक्स और दूसरे बॉर्डर गार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एब्सेंस सीधे तौर पर इस रीजन में बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की पुलिसिंग को हैम्पर करता है। इन्हीं सब कारणों के साथ इस रिमोट रीजन में लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और डिकेड्स ऑफ निग्लेक्ट इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण बन जाता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन के लोगों ने दशकों इंडियन गवर्नमेंट की इनएडिक्वेट अटेंशन के बारे में कंप्लेंट्स किए हैं, और इसी वजह से वंस निग्लेक्टेड रीजन आज ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पोरस बॉर्डर को बार्ब्ड वायर से फेंस करने का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहा, लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उल्टा इस रीजन में फेंसिंग का ऑप्शन काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच और एक डिवीजन का काम करता है, जो इस रीजन की स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा थ्रेटन करता है। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन कम्युनिटीज़ के किनशिप बॉन्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रोडक्टिव मेजर्स ले, ना कि उनके बीच एक हर्डल बने, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ के लिए टाइज केवल नॉर्मल रिलेशनशिप बॉन्ड्स ही नहीं बल्कि उनके सर्वाइवल का जरिया भी है। ये कम्युनिटीज आपस में एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप शेयर करती हैं, तो इस तरह उनको अलग करना उनसे उनका लाइवलीहुड छीनने जैसा है। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ऐसे मेजर्स एक्सप्लोर करे जिससे इन बॉर्डरलैंड कम्युनिटीज के पोटेंशियल को इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए एक सिग्निफिकेंट तरीके से यूटिलाइज कर पाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लैंडलॉक स्टेटस से लैंड लिंक्ड होने के कंसिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी मददगार साबित होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेथड्स डिप्लॉय करने होंगे जिससे इस रीजन के रिच नेचुरल रिसोर्सेज और एबेंडेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इंसर्जेंसीज और स्मगलर्स की भेंट न चढ़ने दिया जाए। यहाँ की पुअर सिक्योरिटी कंडीशन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स रीडबल करने होंगे। इसके लिए उन्हें असम राइफल्स को इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ उसको एडिक्वेट मैन पावर और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को सस्टेन्ड कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू बॉर्डर कम्युनिटीज़ को नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की तरफ सेंसिटाइज करना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर बेस्ट मैनेज्ड व्हेन नेबर्स कोऑपरेट टू सिक्योर देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स, तो इस कोऑपरेशन को मटेरियलाइज करने के लिए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को केयरफुली क्राफ्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया को म्यांमार के साथ कुछ इस तरह कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना होगा जिससे वो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के प्रति सेंसिटिव रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।